खबरी पद से सबसे पहले बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल गांव थरिया में एक युवक की हत्या कर दी गई है। दरअसल ये दोस्त से मिलने गया था युवक, जिसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। डंडों और तेज धार हथियार से युवक पर हमला किया गया, ये बड़ी खबर है इस वक्त। सोनीपत से डंडों और तेज धार हथियार से इस युवक पर हमला किया जाता है। हालांकि इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गांव थरिया का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस शख्स की हत्या की गई है। दरअसल खबर ये है कि ये दोस्त से मिलने के लिए गया था और उसी वक्त इसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। हालांकि जिस अवस्था में ये घायल हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन क्या कुछ वजह रही है हत्या करने की, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। मामला सामने आया, क्या पूरा मामला था? देखिए, प्रवीण स्नोप राजेंद्र वासी सांदल कला ने शिकायत दी है कि मेरे चाचा के लड़के रवि स्नोप वेदपाल का दिनांक 31/1 की रात थरिया गांव में मर्डर कर दिया, जिस पे मुकदमा दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम करवा कर। क्या पूरा मामला क्या था बताया? क्या बताया गया है शिकायत में? क्या दिया गया शिकायत में? यही दिया गया है कि वो 31 तारीख को अपने किसी दोस्त से मिलने वहाँ गया था, जहाँ कुछ नामजद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, वह उसको चोटें मारकर उसकी हत्या कर दी। अपनी दोस्त से मिलेगा, प्रेमिका से मिलेगा? देखिए, अभी इस बात में जांच चली हुई है, जो भी होगा मामले को उसी घरे। हमारे को तो यही शिकायत दी गई कि वो अपने दोस्तों से मिलने वहाँ 31 तारीख को गया था, जिसमें 5 नामजद आरोपी हैं जिन्होंने हथियारों सहित आए। उनके नामजद आरोपी कौन कौन है सर? इसमें नामजद आरोपी हैं, बाई नेम है 5 के, सद्दाम नौसाद वगैरह, वो थरिया गांव की। अरेस्ट भी किया किसी को? अभी तक तलाश जारी है, शीघ्र से गिरफ्तार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सन्नी मलिक जुड़ चुके हैं। सन्नी मलिक, मामला क्या है, क्यों इस शख्स की हत्या की गई है, क्या वजह रही है, कोई जानकारी मिल पाई है इस बारे में, अपडेट क्या है? देखिए आकांक्षा, सोनीपत के थरिया गांव का एक पूरा मामला जांच रही है। रवि ये अपने किसी दोस्त या महिला मित्र हो सकती है, अभी पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा नहीं कर पा रही है। तो किससे मिलने गया था, लेकिन जो हमारे पास पुख्ता जानकारी है उससे ये सामने निकल कर आ रहा है, किसी अपनी महिला मित्र से मिलने का सांडू गया था और वहाँ पर इसके साथ जो लड़की के परिजन है उन्होंने उसके इस पर तेजधार हथियारों से हमला किया और इसकी मौत हो गई। नए साल की जो जश्न है वो मनाने वहां पर गया था, लेकिन उसके परिजनों ने उस पर हमला किया और इसको घायल अवस्था में जब सोनीपत के नागरिक अस्पताल लेकर आया गया तो इसने कल देर रात इसने दम तोड़ दिया और अब पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। आकांक्षा, सन्नी, क्या जिन लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, 5 लोग आप बता रहे हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया इस मामले में, क्या अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है, इस बारे में कोई जानकारी मिली है? जी देखिए, हमारी सोनीपत की जितनी भी क्राइम ब्रांच की जितनी भी टीम है उनसे इंसाफ से बात हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, जो इस पूरे मामले में अब जांच करेंगे गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें कोई भी सफलता है वो हाथ नहीं लगी है, लेकिन जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा सोनीपत पुलिस कर रही है। जो 5 आरोपी है वो भी फरार चल रहे हैं। जी आकांक्षा, तो ये 5 आरोपी कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी? जो 5 आरोपी है ये गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ठीक है, गिरफ्तारी के लिए जल्द से जल्द पुलिस प्रयास कर रही है। जी आकांक्षा, ठीक है, शुक्रिया आपका सन्नी मलिक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये सोनीपत के गांव थरिया का पूरा मामला है, जहां पर कुछ लोगों ने इस शख्स के साथ